तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 18 अगस्त को इंडिया मार्केट में रियलमी दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। पहला दोस्तों यहाँ पर रियलमी जी टी होगा और दूसरा यहाँ पर रियलमी जी टी मास्टर एडिशन होने वाला है। अब रियलमी जी टी मास्टर एडिशन को प्राइस को लेकर जो ना काफ़ी बड़ी गुंजाइश निकल कर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर स्मार्टफोन की 100% कन्फर्म प्राइस निकल कर आ चुकी है, जो कि मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने बताया कि हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर स्मार्टफोन ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है माधव सेठ की तरफ से और रियलमी इंडिया की तरफ से भी कि दो नए स्मार्टफोन यहाँ पर रियलमी की तरफ से आपको इसी महीने 18 अगस्त को देखने को मिल जाएंगे। अब रियलमी जी टी के बारे में ऑलरेडी आपसे एक वीडियो बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, चाहे तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी जी टी मास्टर एडिशन के प्राइस को लेकर। अब देखिए, यहाँ पर ऑफिशियली माधव सेठ ने जो उनका एपिसोड आता है यूट्यूब पर आस्क माधव, उसमें स्मार्टफोन की प्राइस भी बताई थी कि यहाँ पर ये स्मार्टफोन अंडर 30 के आने वाला है। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर आपसे कन्फर्म प्राइस बताऊंगा कि किस प्राइस पे स्मार्टफोन इंडिया मार्केट लॉन्च होने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्मार्टफोन कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ जो कि आपको इंडिया मार्केट में देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, रियलमी जी टी मास्टर एडिशन एक बजट वाला स्मार्टफोन होगा, लेकिन काफ़ी अच्छी स्पेक्स के साथ में आने वाला है। यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिस पर दोस्तों आपको कोरियन क्यू ग्लास 5P प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है, बिल्कुल प्रीमियम वाला यहाँ पर स्मार्टफोन आपको डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है रियलमी की तरफ से। पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें तो पीछे आपको बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें मैट फिनिश देखने को आपको मिल जाती है। और यहाँ पर स्मार्टफोन का जो इमेज इस समय आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन भी मुझे लगता है स्मार्टफोन का। अगर बात करें पीछे की तरफ कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो वहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा सेल्फी कैमरा दिया गया है, 32 मेगापिक्सल का जो होने वाला है। यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेक्स स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। अब प्रोसेसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पर आपको खास इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर आपको क्वालकॉम का 778 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो हाल ही में क्वालकॉम ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ में इंडिया मार्केट सिर्फ अभी एक ही स्मार्टफोन लॉन्च किया गया, और ये दूसरा स्मार्टफोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ में इंडिया मार्केट लॉन्च होने वाला है। अब देखिए, जिस प्राइस पर स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उसके आसपास यहाँ पर आपको रियलमी X1 मैक्स भी देखने को मिल जाता है, जिसमें MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो 5G के साथ में आने वाले हैं, डुअल 5G दोनों ही स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं कि रियलमी X7 मैक्स बाय करें या फिर रियलमी GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन बाय करें, लेकिन ये वो कन्फ्यूजन में मैं आपका इस वीडियो में दूर कर दूंगा। मैं फिर दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB Type-C देखने को मिल जाता है। और फास्ट चार्जिंग अगर यहाँ पर बात करें तो फास्ट चार्जिंग भी आपको काफ़ी अच्छी दिख रही है, 65 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए, रियलमी के अब तक जितने भी स्मार्टफोन काफ़ी समय से लॉन्च कराए ना, रियलमी जो 25-30 हज़ार रुपये के बजट में आते हैं, उन सभी में आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी शक नहीं है कि रियलमी फास्ट चार्जिंग में कोई भी कमजोरी छोड़ता है, या फिर आपको कन्फ्यूज़ रहे कि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग में कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती रियलमी के स्मार्टफोन में। अब मेनली हम बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। दोस्तों, ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट होगा 6GB प्लस 128GB स्टोरेज, और सेकंड वेरिएंट होगा स्मार्टफोन का 8GB प्लस 128GB स्टोरेज। अब देखिए, यहाँ पर जो स्पेक्स आपको देखने को मिलती है उसके हिसाब से मुझे स्मार्टफोन थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्टफोन की 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरियंट की जो कीमत निकल कर आई है वो दोस्तों यहाँ पर 22,000 रुपये होने वाली है, और यहाँ पर स्मार्टफोन की 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत आपको 25,000 रुपये देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर इससे बेहतर स्पेक्स के साथ में आपको रियलमी X7 मैक्स देखने को मिल जाता है, हालांकि बाकी सभी स्पेक्स आपको सेम देखने को मिलती है रियलमी X7 मैक्स और रियलमी मास्टर एडिशन में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोसेसर का फर्क देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन में। जो रियलमी X1 मैक्स है ना, उसका प्रोसेसर यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देगा, अगर आप कंपेयर करते हैं रियलमी GT मास्टर एडिशन से। तो अगर आप यहाँ पर स्मार्टफोन 25,000 रुपये में बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी स्मार्टफोन को बाय करना। यहाँ पर आप रियलमी X7 मैक्स की तरफ भी जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये कम से कम मुझे 4,000 रुपये ओवर प्राइस लगता है स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन में जो 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट है वो अंडर 20 के आना चाहिए था, और यहाँ पर स्मार्टफोन का जो 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट है वो यहाँ पर आपको 22K यानी कि 22,000 रुपये में लॉन्च करना चाहिए था रियलमी को इंडियन मार्केट में। वैसे आपकी क्या राय स्मार्टफोन की प्राइस एंड स्पेक्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप रियलमी GT मास्टर एडिशन और रियलमी X7 मैक्स का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ मैं आपको जाना लाता रहता हूँ। दोस्तों बस
फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।